ओम। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, आदरणीय जो गुरुजी बैठे हैं, कौन सी ऐसी शिक्षा आपको दिए कि आपके अंदर इतना बड़ा संकल्प आ गया पूरी सृष्टि ही परिवर्तन करने का? और गुरुजी बस इतना ही मार्गदर्शक हम लोग चाहते हैं कि जो विचार, जो चिंतन और जो शक्ति आपके अंदर आई, शायद इतना बैठे हुए हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनों के अंदर आ जाए, शायद इस कार्य को हम लोग एक वर्ष के अंदर में ही कर सकते हैं। ओह क्या बात, ठीक। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जी अब ये तो गुरुजी बताएंगे कि उन्होंने हमको कौन सी जड़ी बूटी पिलाई। स्वामी जी अपने साथ लाए थे पिछले जन्मों से एक प्रारब्ध, और गुरु लोग तो इतना ही काम होता है, जिस कोई चढ़ रहा हो तो पग्गी लगा दी थोड़ी सी, कोई अच्छी सी पेड़ी हो ना, लंबी पेड़ी, पेड़ वृक्ष, उसके ऊपर कोई चढ़ रहा हो तो अपने थोड़ा सा नीचे सहारा लगा देते, ऊपर चढ़ जाता है। तो एक समय थोड़ा सा हमारी भी जरूरत पड़ी थी, बाकी तो सब स्वामी जी अपने साथ लाए थे। आप भी अपने साथ लाए हो और स्वामी जी के मदद से आप भी जो सोच रहे हैं वैसा कर सकते हैं, हो सकते हैं। जैसा उत्साह से आप अपनी बात सुना रहे हैं, उस उत्साह को बस बनाए रखो, उस उत्साह को बनाए रखो। हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए तो सारा ये अस्तित्व है, तैयार है, और स्वामी जी भी तैयार हैं, और यहाँ सभी आपके दूसरे ये सब सन्यासीगण तैयार हैं उसके लिए। अब तो कितना सारा स्वामी जी ने ये वैभव को कितना अच्छा रूप दे दिया है, तो ये सब आपको मदद करेंगे। केवल आप अपने संकल्प को दृढ़ रखें, बनाए रखें। जैसे वो एक भाई पूछ रहा था कि हम अपनी श्रद्धा को कैसे बनाए रख सकते हैं, विचार के द्वारा, भाव के द्वारा, निरंतर अपने शिव संकल्प के द्वारा उसको बना रख सकते हैं। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, बार बार इस गीत को गाते रहें और हो जाएगा ये। गुरु जी को हमने बहुत पुरुषार्थ करते देखा, इसलिए गुरु जी से हमने पुरुषार्थ सीखा। वहाँ गुरुकुल में भवन बनाने होते, चार दीवारी बनानी होती, तो गुरुजी पत्थर उठा रहे हैं। गायों के लिए भूसा लाना होता तो गुरुजी भूसा ढो रहे हैं। फिर अनाज लाना होता तो गुरुजी अनाज ढो रहे हैं। फिर गाय की सेवा करनी पड़ती तो गुरुजी गोबर उठा रहे हैं। ठाण बोलते हैं जिस पे वो गाय रहती है ना, वो गीला ना हो जाए सर्दी में, तो गुरुजी उसका जो गोमूत्र होता है वो एक बाल्टी या इस तरह से कोई पात्र में उसको रोक लेते थे। फिर गुरुजी हमको पढ़ा भी रहे हैं, तो गुरुजी को हमने 18 घंटे पुरुषार्थ करते देखा, तो हमने गुरुजी से पुरुषार्थ सीखा। और देखो, दो तीन शब्द समझ लो तो सारा काम हो जाएगा। एक तो आप में से बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं, मैंने कई बार कहा है, इधर हमारे पतंजलि गुरुकुलम में भी कन्या भी बैठी हैं छोटी, उनमें भी पतंजलि कन्या गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम में भी, विश्वविद्यालय आदि में भी, आचार्य कुलम में भी, जो सन्यासी बन चुके उनमें भी, आचार्यों में, आपके जीवन में भी बहुत निर्दोषता, पवित्रता है। अब इसको आप खंडित मत होने दो। एक बार भी गुरुजी ने ध्यान दिला दिया कि भाई ये तो दोष ठीक नहीं है। कई बार अपना ध्यान नहीं जाता तो गुरु ध्यान दिला देते हैं, भाई ये अहंकार कर रहे हो ये ठीक नहीं है, प्रमाद कर रहे हो ठीक नहीं है। और ये तो सब बातें आपको पता है, बस एक बात सोच लो कि मुझे एक भी अभ्यास गलत नहीं रखना किसी भी तरह से, बात खत्म हो गई। आज सब प्रतिज्ञा कर लो, ये पर्व पूर्णता लाने के लिए होते हैं ना, तो श्रावणी उपाकर्म पर, रक्षाबंधन पर ये प्रतिज्ञा कर लो कि हमें एक भी गलत अभ्यास को जीवन में स्थान नहीं देना, बस बात खत्म हो गई। एक बात, और एक भी अच्छे काम से हमें पीछे नहीं हटना, इतनी सी बात है। एक बुरी बात कह दी, बुरा अभ्यास करने ने अच्छे अभ्यासों से पीछे, चाहे वो योगाभ्यास है, चाहे विद्या का अभ्यास है, चाहे सेवा का अभ्यास है, चाहे साधना का अभ्यास है, अच्छे अभ्यासों से पीछे नहीं हटना, ऐसा दृढ़ता बना लो।
और बुरे अभ्यासों को एक बार भी दोहराना नहीं है। बस एक ही बात पूरी हो गई, एक भी बुरे अभ्यास की आवृत्ति नहीं करनी, दोहराना नहीं किसी भी तरह का, और एक भी अच्छे अभ्यास को छोड़ना नहीं। बस इसी से आपके जीवन में अपने आप, और देखो जो आप कह रहे हैं ना महान जीवन, ये एक एक कदम चलने से होता है, अचानक कोई महान जीवन नहीं हो जाता। जैसे हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं और इसके लिए पूरा सामर्थ्य लगाएंगे, चाहे वो कितना भी हो। देखो हम पूर्ण सामर्थ्य लगाते हैं, फिर जो भी परिणाम होता है वो भगवान का विधान है, उसकी परवाह नहीं करते। जैसे हमने कहा है बुरे लोग संगठित होकर के कितनी बुराइयां कर लें, तो अपने भीतर से पूर्ण शांत रह के आनंद प्रसन्नता में रह करके अपने को इस धरती पर शुभ का, पवित्रता का, दिव्यता का आधान करना है जितना हो पाए सभी दिशाओं से। बस इसमें अलग अलग तरह का सामर्थ्य आप में प्रकट होने दो, पहले तो अपने सामर्थ्य को प्रकट होने दो पूरी तरह से। हमारे शेखर जी ने कहा कि द्वेष शून्य कैसे हो जाए, इसका उत्तर गुरु जी अच्छा देंगे। ये तो पहले हमारी आवश्यकता बने कि हमें द्वेष शून्य होना चाहिए। यदि आप अपनी आवश्यकता बना लेते हैं तो, और फिर वो एक उत्तर दिया था मैंने किसी बहन को कि हम अपने जीवन में कैसे ऐसा अजात शत्रु बन जाएं, कैसे हम संसार के लिए ऐसे बन जाएं कि हमारे से किसी को दुख ना हो, उसी से मिलता जुलता ही है ये भी। हमारी आवश्यकता यदि बन जाए तो सोने से पहले, जगने से बाद तुरंत यही होना चाहिए कि मैं सबके प्रति सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसा भाव आप इसका प्रयोग करके देखें। केवल औषध किसी डॉक्टर से लेने से काम नहीं चलता है ना, यदि हम उसको प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो स्वतः है वो हमारे जीवन का अंग और हमारे लिए पथ प्रदर्शन का काम शुरू हो जाता है। तो आप अपनी आवश्यकता बनाएं और दिन में भी ध्यान रखें, और जहाँ कभी हमारे मन में द्वेष भाव आए तो उसको देख सकें उसी समय, और संध्या के मंत्रों में 6 बार हमें बार बार ये कहा गया है योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम वो जम्भे दद्मा, और वेदों में हमने देखा कि इस द्वेष त्याग के ऊपर जितना बल दिया शायद किसी चीज़ पर दिया हो, यानी द्वेष त्याग कहें या हमारा सद्भाव का विकास कहें एक ही बात है। एक तरफ से कहें तो सद्भाव और दूसरी तरफ से कहें द्वेष त्याग, तो द्वेष त्याग जो है दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने से द्वेष त्याग होगा। हम जब किसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर तो विपरीत आता ही है, विपरीत भाव आता ही है। तो हम इस बात को बार बार अपने मन में जगह दें, सोते जागते इसको, सोने से पहले यदि जो भाव हम अपने मन में लाते हैं उनका एक अलग ही प्रभाव होता है। ये अपने अनुभव से मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बात, कि सोने से पहले जो आप चाहते हैं उसको शांत होकर के एक बार यदि अपने मन में लाते हैं, और उठते ही उन बातों को यदि फिर दोहराते हैं, तो ये बहुत एक कारगर एक साधन उपाय बन जाता है। देखो हम देश छोड़ना चाहते हैं तो जैसे गुरुजी ने कहा ना, एक तो जहाँ जहाँ हमारा द्वेष है उसको हम कम करते जाएं, पता तो है हम यहाँ यहाँ द्वेष करते हैं, तो अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए, और प्रेम बढ़ाते जाएं जितना हो सके। दो, एक तो निषेध चलता है जीवन में, एक विधि चलती है, प्रेम को बढ़ाएं द्वेष को कम करें, और जहाँ अपने को लगता है कि एक होता है द्वेष तत्व, और द्वेष तत्व जो है अधिकतम ऐसा होता है उससे अपनी या किसी अन्य की किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि, कोई उससे लाभ नहीं होता है। फिर जैसे जो बहुत बुरे लोग हैं उनसे तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते। मान लीजिए कोई पूरी दुनिया में आतंक फैला, कोई आप कहे कि जी मेरा मत मुझे तो बगदादी से प्रेम करना है, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा है? कोई नक्सलवादियों से, कोई आतंकवादियों से,
कोई बहुत ही ज़्यादा क्रूर दुराचारी व्यभिचारी हिंसक हैं, उनसे आप प्रेम करना चाहते हो, ऐसा तो आपका भी अभिप्राय नहीं है। कोई भी नहीं करता ऐसे लोगों से तो प्रेम, नज़दीक का जो जीवन है उससे। हम जो द्वेष से परेशान रहते हैं वो अपने ही लोगों से हम द्वेष करने लगते हैं आपस में। तो ये जो द्वेष त्याग की बात आती है शास्त्र में, जो भी शास्त्र में तो बुरे लोगों के लिए तो भगवान भी ऐसा का विधान भी ऐसा है, कर्मफल व्यवस्था भी भगवान की ऐसी है, और स्वयं भगवान भी ऐसा कहते हैं कि जो जितना हो सके उतना आप इस संसार से अशुभ को दूर करें। लेकिन ये जो द्वेष त्याग है, ये सबसे ज़्यादा द्वेष जो हमें परेशान करता है, सन्यासी सन्यासी से, घर परिवार में आपस में, हम समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित, ये सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से धार्मिक रूप से एक दूसरे से द्वेष करते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में द्वेष करते, कोई प्रयोजन नहीं उसका, कोई वो जो है कोई संसार की हानि नहीं कर रहे हैं, कि जैन कौन सी हानि कर रहे हैं संसार की, लेकिन हिंदू कौन सी हानि कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से द्वेष करते हैं ना, इसका त्याग करना पड़ता है। और फिर एक बहुत बड़ा कोई व्यक्तित्व हो जाता है तो उसके सामने बुरे लोग अपनी बुराइयां भी छोड़ देते हैं, वो अपने अशुभ का त्याग कर देते हैं, है ना, वो पराकाष्ठा की बात है। तो ये तो इतना तो किया जा सकता है, ऐसा आता है कई बार, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नुकसान कर दे तो वो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बोले मैं इसको मजा चखाऊंगा। हमारे सामने भी घटनाएं बार बार आती हैं, तो हम अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, आप अनेक होते भाई ठीक है कोई बात नहीं कर दिया तो कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हमने उनके प्रति कभी ऐसे नहीं सोचा कि उनका जो है भगवान, मतलब उनका जो भगवान की का विधान है भगवान करेंगे, हम उनके बारे में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने हमसे आके कहा, कुछ लोगों ने हमसे बहुत शत्रुता की, तो कुछ समाज में ऐसे भी शक्तिशाली लोग होते हैं, बोला हमारे गुरु को हमारे सन्यासी के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है, ऐसे बहुत लोग हैं हमारे सामने। बोले स्वामी जी बस आपका एक हुक्म चाहिए, उसका धरती से नामो निशान हम मिटा देंगे। मैंने कहा नहीं भाई आपने कोई काम नहीं करना, ऐसे ऐसे आता है। तो अपने को अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है, और बाकी कुछ व्यवहार में हम आपस में करते रहते हैं, एक ही गुरुकुल में है भाई बहन आपस में द्वेष कर लेते हैं, सन्यासी आपस में द्वेष कर लेते हैं, आप तो नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे इन जनरल में बोल रहा था, आप तो बहुत अच्छे हैं, अपने मन को ऐसे ही सजेशन देना चाहिए, मैं प्रेम करता हूँ सबसे, और तो कभी कोई ऐसा भाव आ भी जाए तो उसको उसी समय निरस्त कर दे, ये नहीं होना चाहिए। आप पूछो बेटा क्या कह रहे हैं। नमो नमः श्रीमन्, इदानीम अहम गीता विषये अध्ययनं करोमि, तो तद विषये अहम प्रष्टुम इच्छामि। इदानीम बहवः जनाः लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तः ग्रसिताः आसन, तो तर्हि यदा अर्जुनः अवदन् न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, किम्नो राज्येन गोविंद किं भोगेर्जीवितेन वा, तो तदा श्रीकृष्णा तस्य निवारणम् अकरोत्। तो कीदृशः वयं व्यावहारिक पृष्ठभूमितः व्यावहारिक पक्षतः अद्यतन, मतलब इन रियल अद्यतन जीवन पद्धत्याम् आम् कथं वयं तस्य लाभाः तस्य मार्गदर्शनम् अहम् यत् शुभम् अस्ति तद आचरन्तु, यत् अशुभम् अस्ति तत् त्यजन्तु। तो यत् शुभम् अस्ति कल्याणकरम् अस्ति तद् आचरन्तु, यत् सामान्य ज्ञानेनैव सामान्य रूपेण अपि कस्मिन् अपि विषये किमपि विचारयामः अस्माकं मस्तिष्क के आगच्छति वो एतत् शुभम अस्ति एतत् कल्याणकरम अस्ति सुखकरम अस्ति तत् क्रियताम, यत् अशुभम अस्ति तत् त्यजतु। देखो एक बात सुनो, बहुत गंभीर विमर्शों को करना चाहिए, अच्छी बात है, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक विमर्श हैं, गीता में उपनिषदों में वेदों में बहुत गंभीर दार्शनिक विमर्श है, तो ये विद्यार्थियों को करना चाहिए ऐसे शास्त्र परंपरा में, ऐसे शास्त्रार्थ से लेकर के दार्शनिक विमर्शों की परंपरा रही है।
लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है, जीवन को जीने के लिए बहुत साधारण सी बातों का ज्ञान चाहिए और वो सबको है। मैंने आपके सामने कई बार प्रयोग किए, छोटे छोटे बच्चों को मैंने मंच पर बुलाया, 7-8 साल के बच्चों से लेकर के 12-15 साल के बच्चों तक को, अच्छा और बुरा सबको पता है या नहीं है बोलो। आप बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आपका किस में अच्छा है किस में बुरा है? पढ़ाई करना अच्छी बात है कि बुरी बात? तो पढ़ाई करो बस। शरीर को बलवान बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात? स्वभाव अच्छा बनाना अच्छी बात है कि बुरी बात? नाराज होना, द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, सोते रहना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात? तो सब ये तो ब्रह्म ज्ञानी है सर। सबको पता है, ये सबको पता है, बस जो पता है उसको कर लो, इतनी सी बात है। जीवन बहुत साधारण सा है। और एक बात और सुन लो, पहले मैं सोचता था मुझे तो ये बात का पता है कि भाई अच्छा ये बुरा है, मेरे को तो अंदर से स्फुरणा होती ही थी। फिर वेद भी पढ़ लिए, शास्त्र भी पढ़ लिए, उसमें भी वही बात लिखी हुई है, दृष्ट्वा रूपे व्याकृत सत्यानृत्य प्रजापति अश्रद्धा अनृत्य दधात श्रद्धा सत्य प्रजापति। तो ये तो सब बातें सही है। फिर मैं सोचता था दुनिया के लोग जो है ना ये अच्छाई के रास्ते पर कैसे आएंगे, तो मैंने देखा ये तो सारी दुनिया के लोग भी अच्छाई के रास्ते पर ही आना चाहते हैं। जो सच्चा आदमी है उसके साथ में करोड़ों लोग खड़े होते हैं, झूठे आदमी के साथ तो कोड़ी भर लोग खड़े होते हैं दुनिया में। ये आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूं दुनिया। अच्छा मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं देश में, दुनिया में कोई भी हम बात करते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को मैंने अपने साथ देखा। कोई आतंकवादी के साथ कितने खड़े होते हैं? सैकड़ों, हजारों। और बहुत ही ज्यादा कोई बहुत ही खूंखार आदमी हो तो चोरी छिपे भरे ही खड़े होते हो। बुरे आदमी के साथ कोई खड़ा होना भी, बुरा आदमी भी नहीं चाहता तो बुरे आदमी के साथ खड़ा होना, वो भी अच्छे आदमी के साथ फोटो खिंचवा कर फेसबुक पे डालता है। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इनमें दिमाग लगाते क्यों, मेरे को ये समझ में नहीं आती। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, सब पता है आपको। बाकी जो शास्त्र में निर्देश है उसको पढ़ ही रहे हो आप, दर्शन, गीता, उपनिषद, वेद आदि पढ़ी रहे, उसमें पता लग ही रहा है। जितना पता है उसमें एक कदम भी इधर उधर हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, बस ये बात पक्की है। एक तो ये बात अंतिम उपदेश है आज का। फिर ये गड़बड़ यही आती है कि हमारी वो गांव की भाषा में बोलते हैं बाण खराब पड़ी हुई है, आदत। गुरुजी एक बच्चे की ऐसी आदत पड़ी हुई थी, अब तो कम हो गई, वो चलते चलते खाते खाते सो जाता था। हा? अब कम हो गई उसकी। एक बच्चा है पतंजलि गुरुकुलम में, तो वो आदत पड़ गई थी उसकी। उसकी आवाज कितनी छूट गई, अब तो कम हो गई ना, अब कम हो गई, अब ऐसी भी आदत पड़ गई, अब तो ठीक होगी ना। हाँ अब ठीक कर ली इसने, देखो। और हमारे यहाँ बैठो बेटा, अब इसने अपनी आदत ठीक कर ली हो, नहीं तो इसको कष्ट हो रहा था उससे कि इतनी इतना आलस्य कैसे आ गया मेरे अंदर। और हमारे कुछ बड़े महापुरुष हैं वो भी सोने का अवकाश ढूंढते रहते हैं। दिवा मास वापसी ही, जब पढ़ लिया एक बार तो फैसला हो गया दिन में सोना नहीं है। और कभी अति श्रांत हो गए तो भी बैठे बैठे 5 मिनट ऐसे सो लो, बस फिर लग जाओ अभ्यास। तो आज मेरा तो हमेशा का ही है ये शब्द, अभ्यास अभ्यासी जीवन। इन्होंने पूरा रिकॉर्ड हो रखा है इनके भीतर। क्या बोला, इधर आओ, क्या नाम है आपका? निपुण जी आइए, ये बड़े प्रतिभावान विद्यार्थी हमारे। क्या है, अभ्यास ही जीवन है। अभ्यास अच्छे हो जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। हा? तो अभ्यास ही जीवन है। और दूसरा क्या बताया?
सब चीजों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो हमने तो ये दो घुट्टी पिला रखी है भाई, जो हमारे गुरुजी ने हमको पिलाया वही हम आगे पिला रहे हैं। ठीक है, बैठो बेटा जाओ। योग का भी सबसे पहला साधन क्या बताया? अभ्यास, वैराग्य, आसक्तियों को कम करना और अपना अभ्यास करना। तो आज बहुत दिनों से गुरुजी का सत्संग सुनने का बहुत भाइयों का मन था, उन सबको अवसर मिल गया। तो अब आज जो सत्संग सुना है, अब इससे एक कदम भी इधर उधर, हाँ तो एक कदम भी जीवन में पापों की तरफ, अशुभ की तरफ, एक शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, अपने अभ्यास में एक कदम भी अपने को उल्टा पुल्टा नहीं रखना। और जैसे कोई गलती हो जाए तुरंत सुधार कर लो। ऐसा देखो, दो ही बातें हैं, अशुभ से बचते रहे। और इसलिए इसकी तरफ संकेत दिया जाता है कि ये हमारे जो इस अस्तित्व की जो पूरी रचना है ना, उसमें ऐसी संभावना रहती है। क्यों रहती है? स्वभाव ही ऐसा है। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रकृति का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें विकृति की, फिसलन की, पतन की, अशुभ की, बुरी चीजों की संभावना रहती है, उससे बचने के लिए और शुभ की ओर आगे बढ़ने के लिए। बार बार हमारे शास्त्रों ने संकेत किया, सब अपने जीवन में शुभ की ओर इतने आरोहित होते जाएं, एक एक कदम, एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते। तो एक एक कदम शुभ में आगे बढ़ते रहो, एक दिन आप दुनिया के सबसे बड़े योगी, दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, किस सबसे बड़ा कौन होता है जो एक एक कदम आगे चलता है, बड़ा हो जाता है। सबसे बुरा कौन होता है जो एक एक कदम बुरा चलता है, फिर उसकी बुराइयां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि बुराइयों से भर जाता है फिर वो। तो ऐसे आप एक एक कदम सच्चाई अच्छाई की ओर बढ़ते रहें। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।